अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 8th मी और टीचर मुश्ताक अहमद फ्रॉम बेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशहर फिरोज, सब्जेक्ट टीचर कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लोड कमांड एंड सेव कमांड दैट आर डिस्क्राइब्ड ऑन बुक पेज नंबर 72। सो डियर स्टूडेंट्स, load command and save command are the most important commands used in GW basic, and these commands are commonly used in computer operations. So dear students, first of all we are going to describe or define load command. Load command can be defined as it is a set of programs that is used to transfer a program from secondary storage medium to primary storage medium. So dear students, whatever data, whatever files or whatever instructions or programs are stored in secondary storage device, that is hard drive, whenever we are going to run these programs saved in hard drive, load command enables computer to transfer the programs that are stored in secondary storage. After loading, these commands or these programs are transferred from hard drive to main memory for the purpose to process them. So dear students, load command is defined as it is such a command that is used to transfer or move the programs from secondary storage to the primary storage. Second one is save command. Save command is also one of the types of the commands that is used to save a program, and it is important to specify the name of the program if the storage device already stores another file by same name. The computer will replace the old file with the program file. So dear students, अगर आपकी memory में कोई भी file पहले मौजूद होता है, अगर आप second दूसरा कोई भी file जो होता है उसी name से store करते हैं आपके computer की memory में, तो जो फर्स्ट आपका स्टोर किया हुआ होता है उसी नेम के साथ प्रोग्राम या कोई भी फाइल, तो वो रिप्लेस हो जाता है और न्यू उसकी जगह पे क्या होता है, सेव हो जाता है। तो सेव कमांड का मतलब ये होता है जो प्राइमरी मेमोरी में हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू प्रोग्राम इंटर किया कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो आपका जो प्रोग्राम होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस वो मेन मेमोरी में होता है, यानी रैम और रोम के अंदर वो प्रोसेस होता है, आपकी बायोस के ही अंदर होता है। जब आप उसको सेव करते हैं, वेन एवर यू आर गोइंग टू सेव दिस प्रोग्राम, योर प्रोग्राम विल बी सेव्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। वेन यू नीड टू प्रोसेस योर saved program, then the load command will take place to transfer saved data from secondary storage device to the main memory. So dear students, computer में दो तरह की memories होती है। एक memories वो होती हैं जिनको हम motherboard में लगाते हैं, for example हमारी RAM है या ROM है, ये हमारी चिप फॉर्म में मदरबोर्ड में अटैच होती है। जब डेटा प्रोसेस होती है तो मेन मेमोरी का मेन किरदार होता है डेटा को प्रोसेस करवाने में। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं हमारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं, उस पर रैम, रोम, प्रोसेसर, ये सारी डिवाइसेस हमारी मौजूद होती हैं जो डेटा को प्रोसेस करने में हमारी मदद करती है। सेकेंड हमारे पास होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस,
जो डेटा को हमेशा के लिए सेव करती करके रखती है, फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव है, ठीक है, तो हार्ड ड्राइव के अंदर हमारी डेटा हमेशा के लिए सेव होती है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हार्ड ड्राइव से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं मेन मेमोरी में, क्योंकि मेन मेमोरी में प्रोसेसिंग स्टेज है, मेन मेमोरी में प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ से हमारी डेटा प्रोसेस होती है, उसके बाद हमें रिजल्ट डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर। तो लोड कमांड क्या होता है? लोड कमांड वेन एवर वी आर गोइंग टू इंटेंड टू ट्रांसफ़र आर सेव डेटा टू द मेन मेमोरी, देन द लोड कमांड टेक्स प्लेस। बट वेन एवर वी आर गोइंग टू डाउनलोड न्यू डेटा फ्राम इंटरनेट और वेन एवर वी आर गोइंग टू इंटर न्यू डेटा बाई यूजिंग द इनपुट डिवाइसिस डेटा कीबोर्ड यूएसबी और अदर मटीरियल्स एंड वी आर गोइंग टू इंटेंड टू स्टोर आर डेटा इन टू आर मेमरी फॉर द पर्पज फॉर लॉन्ग सेव। Therefore, save command is used to store data in secondary storage device for the longer use. So, dear students, today's lecture based on load command and save command is going to be winded up here. And your homework based on today's lecture is to memorize question number 2 and question number 3 from the notes given you on the WhatsApp. You will have to memorize question number 2 and 3 from chapter number 5. So dear students, today's lecture is winded up here and we will meet in coming of lecture. Still Allah Hafiz. Assalamu alaikum dear students of class 8th.